नमस्कार, मैं हूं आस्था चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। और आइए रुक करते हैं खबर फटाफट की तरफ। लंदन की एक अदालत ने भारतीय बैंकों की ओर से दायर किए गए मुकदमे में माल्या के खिलाफ फैसला दिया है। जज एंड्रयू हेनशॉ ने कहा कि IDBI समेत सभी कर्जदाता आरोपों से संबंधित भारतीय अदालत के फैसले के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ 3 साल पहले हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से टीवी पर दिए गए भाषण में इसका ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करने की बात कही। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत टीही में माल गोदाम बनाया जाएगा। पश्चिमी रेलवे और रतलाम रेल मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभवतः 3 माह में वहां काम शुरू हो जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शामिल होने के लिए बुधवार को पटना जाएंगे। उन्हें पटना ले जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पटना में लालू के बेटे की शादी 12 मई को निर्धारित की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक और चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर एक सरकारी कर्मचारी के परिवार के 5 सदस्यों से 21,25,000 ठगने वाले दुग्ध संघ के एक कर्मी समेत 2 छात्र ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इमरजेंसी हेल्पलाइन 108 के लिए काम करने वाला महिला स्टाफ मंचलों के फोन से परेशान है। फोन करने वाले इनसे व्यक्तिगत जानकारी मांगने के साथ अभद्रता कर धमकी भी देते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान है और इसके 4 दिन पहले ही बेंगलुरु में एक फ्लैट से तकरीबन 9,000 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। इन आईडी कार्ड के बरामद होने के बाद राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। अंबेडकर अस्पताल से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है और एक बार फिर पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए कैदी अस्पताल से फरार होने में सफल हुआ है। आरोपी कैदी का नाम निर्मल बताया जा रहा है। कोटा में IPL में सट्टा लगा रहे 2 आरोपियों को दबोचने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों से लाखों का सट्टा पट्टी समेत 16,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।